नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल और आरजे मीनाक्षी का वनडे वाला हेलो और माय एफएम पे आरजे मीनाक्षी के साथ आज की कहानी। अब पिकासो जो है स्पेन में जन्मे एक बहुत ही मशहूर पेंटर थे। उनकी पेंटिंग्स दुनिया भर में करोड़ों और अरबों रुपए में बिकती थी। दुनिया भर के लोग उनकी पेंटिंग के दीवाने थे। एक बार पिकासो किसी छोटी सी जगह पे रुकने के लिए गए। वहां पर एक होटल में रुके वो, और होटल में जब वो बाहर बैठ के कहीं खाना खा रहे थे तो आजू बाजू कोई भी उन्हें पहचान नहीं रहा था, क्योंकि इतनी उनकी तस्वीरें जो अखबार में नहीं थी या इतने पॉपुलर वो वैसे नहीं थे, नाम से बहुत मशहूर थे। लेकिन एक लेडी जो थी वो उनके पास आई, एक महिला की नजर उन पर गई, वो पिकासो को पहचान गई। और अभी महिला पिकासो के पास गई और बोली, सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत बड़ी फैन हूँ, प्लीज मेरे लिए एक पेंटिंग बना दीजिए। पिकासो ने कहा कि अभी फिलहाल मेरे पास यहाँ पेंटिंग का कोई सामान नहीं है और मैं तुम्हारे लिए पेंटिंग नहीं बना सकता। महिला जिद करने लगी, नहीं सर, पता नहीं मैं दोबारा कब मिलूंगी आपसे, प्लीज मेरे लिए एक पेंटिंग बना दीजिए। तो पिकासो ने अपनी जेब से कागज निकाला और 20 सेकंड के अंदर फटाफट से कुछ स्क्रैच कर दिया और उस महिला को ये पेंटिंग देते हुए कहा कि ये लो मिलियन डॉलर की पेंटिंग। अब ये मिलियन डॉलर की पेंटिंग जो लेकर वो महिला घर में गई, घर में जाके सोचने लगी ये कोई मिलियन डॉलर की पेंटिंग लगती है, बस 20 सेकंड के अंदर जरा सा कुछ स्क्रैच कर दिया पिकासो ने, मेरा उल्लू बनाया। उसने सोचा कि मैं मार्केट में जाके वैल्यू पता करती हूँ। जब वो मार्केट में गई तो सच में वो पेंटिंग मिलियन डॉलर की थी। अब ये महिला फटाफट से फिर दौड़ी उसी होटल की तरफ, फिर दोबारा से पिकासो से मिलने के लिए, और पिकासो के पास जाके बोली कि आप कमाल हैं, आपने 20 सेकंड के अंदर इतनी अच्छी पेंटिंग बना दी, मुझे अपने अंदर अपने साथ बैठने का मौका दीजिए, आपकी शरण में अगर मैं रही तो 20 सेकंड में तो नहीं सही लेकिन 30 मिनट में तो मैं कोई अच्छी पेंटिंग बना सकूंगी। पिकासो हंसते हुए बोले कि ये जो मैंने 20 सेकंड में पेंटिंग बनाई है इसे सीखने में मुझे 30 साल लगे थे। मैंने अपने जीवन के 30 साल ये 20 सेकंड की पेंटिंग बनाने में लगाए हैं, तुम भी 30 साल लगाओ तो सीख जाओगे। यानी क्या? यानी ये कि हम बहुत बार लोगों को देखते हैं और फिर हम सोचते हैं कि बहुत अच्छे से इन्हें सफलता मिल गई है, बड़े सक्सेसफुल ये हो गए, लेकिन हम कभी भी ये नहीं सोचते कि कितनी मुश्किलों से और कितने संघर्ष से उन्होंने वो सफलता हासिल की होगी। देखिए, सफलता की तैयारी में अपना जीवन कुर्बान करना पड़ता है, स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ती है और स्ट्रगल्स को क्रॉस करना पड़ता है, तब जाके आपको सफलता मिलती है। तो मीनाक्षी और माय एफएम तो यही कहते हैं कि जब भी किसी सफल व्यक्ति को देखें तो ये सोचें कि कितनी कड़ी तपस्या से वो यहां पर आज पहुंचा होगा। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, मीनाक्षी और माय एफएम तो यही कहते हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।